हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान प्रदेश की महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बुधवार को दो इकाइयों के स्विच यार्ड में लगी आग की वजह से पूरी तरह ठप हो गया। थर्मल के दो फायर फाइटर ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फिलहाल थर्मल के मुख्य अभियंता सहित आला अधिकारी मौका मुआयना कर नुकसान का आंकलन करने में जुटे हैं। थर्मल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:15 बजे थर्मल में 250 मेगावाट के करंट ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट हुआ और थर्मल की तीसरी और चौथी इकाई के स्विच यार्ड में आग लग गयी। सूचना पाकर थर्मल की दो फायर फाइटर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि फायर फाइटर में तकनीकी खराबी की वजह से कुछ व्यवधान भी पैदा हुआ। आखिरकार दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि 250-250 मेगावाट की 6 इकाइयों वाले सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 4 इकाइयां पहले से ही बंद चल रही हैं। थर्मल प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में विद्युत की मांग में कमी के चलते लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों पर प्लांट की 4 इकाइयों को बंद किया गया है। वर्तमान में केवल 3 और 4 नंबर इकाइयों से ही विद्युत उत्पादन हो रहा था, वो भी 250 मेगावाट की जगह केवल 200 मेगावाट। फिलहाल थर्मल प्रशासन इकाइयों को दुरुस्त करने में जुटा है। सूरतगढ़ से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।